की हम बात शुरू करेंगे kinematics की बेसिक से साथ, kinematics कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन को और मोशन का मतलब है जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस होती है. Well, क्या है? ये बात सही है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होना ही मोशन है या समटाइम्स मोशन होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होती क्या बातें मैं कर रहा हूँ लेट्स हैव अ लुक जब भी कैन की बात की होती है वेदर आप ग्रेड नाइन्स ओ लेवल्स बिल्कुल नई नई ताज़ी ताज़ी फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू करें या आप ए लेवल्स की फ़िज़िक्स पढ़ें या आप यूनिवर्सिटी लेवल की फ़िज़िक्स पढ़ें जब हम बिल्कुल बेसिक और फिज़िकल क्वांटिटी से बाहर आते हैं तो पहली चीज़ जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं वो होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क जी बिल्कुल क्योंकि मोशन का मतलब क्या है जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि एक लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज़ अ कार ठीक है अच्छा बच्चों जब भी मैं कार बनाता हूँ ना तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि गाड़ी जा किस तरफ हाँ तो मुझे भी नहीं पता तो बोल जिस तरफ मैं एरो लगा दूँ गाड़ी उस तरफ जा रही है ठीक है ये पॉइंट ए है और यहाँ से ये गाड़ी जाएगी मूव करेगी टूवर्ड्स पॉइंट बी ठीक है तो हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं और मैं पॉइंट्स से ज़्यादा इसको कहना चाहूँगा ये दो पोजिशन हैं ठीक है पोजिशन इज़ अ वेरी गुड वर्ड मैथमेटिकली तो ये ए से बी तक की जो पोजिशनिंग है ये जो है ये हमारे पास जगह है मैं उर्दू का वर्ड इस्तेमाल करूँगा क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी मैं आपने समझाया नहीं मैंने आपको क्या है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दो बहुत लंबी कहानी है एक तो जस्ट हम सिंपल तरीके से गुजर जाएंगे अगर आपको बात समझ में आ जाए तो स्टिक विद इट अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का और समझने का शौक़ है तो फिर कंटिन्यू फॉर डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट ठीक है विद मी अच्छा भाई देखिए सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपकी फ़र्स्ट पोजीशन है इसको मैं आपके सामने इनिशियल पोजीशन भी कह सकता हूँ ठीक है और ये आपके पास फाइनल पोजीशन है ये बातें याद लें ये बात आगे जाके हमें बहुत काम आने वाली है और राइट सो अब सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस कि डिस्टेंस क्या होता है वॉट इज़ डिटेंस इन फिज़िक्स देखें इंग्लिश में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ें होती होंगी लेकिन फिजिक्स में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सो so, डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी आप जो भी जर्नी कर रहे हैं उसकी टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं ठीक है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अब जरा ये इंटरेस्टिंग बात है वट इज डिस्प्लेसमेंट सो डिस्प्लेसमेंट को बहुत तरीकों से डिफाइन किया जाता है एक इसका तरीका जो डिफाइन करने का है वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन विच विल ऑलवेज बी straight लाइन ठीक है uh, एक तो इसका ये डेफिनेशन है लेकिन एक डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ कि सी ए आई ई जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं चाहे आप ओ लेवल्स के लिए वीडियो देख रहे हैं या आप ए लेवल्स के लिए वीडियो देख रहे हैं आपकी यही डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है ठीक है जो मैं बता रहा हूँ ये फिजिक्स वाला डेफिनेशन है और फिज़िक्स वाला डेफिनेशन के अंदर मैं कुछ चीज़ें डिस्क्लेमर के साथ बताऊँगा कि ये आपने सिर्फ मेरे साथ जर्नी करते हुए चीज़ों को समझने के लिए समझनी है ठीक है और वो आपको ट्रू नेचर ऑफ फिजिक्स क्लरिफाई करेगी सो right, so, मैं इसको जो तो डिफाइन करता हूँ मैंने इसको अपने नोट्स में भी लिखा है लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ लिखा है कि प्लीज ये वाली डेफिनेशन आप सी आई में यूज ना करें एंड दैट डेफिनेशन इज़ हाउ मच नॉट मंच सुबह सुबह मुझे भूख लग रही है इसलिए मंच लिख रहा हूँ मैं हाउ मच An object is displaced from its initial position. अब कोई कह सकता है यार डिस्प्लेसमेंट में आपने डिस्प्लेस का वर्ड ही यूज़ कर दिया किसी डेफिनेशन तो बल्ले मैं पहले बता रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है मुझे अभी फिलहाल डिस्प्लेस से बेहतर वर्ड मिला ही नहीं है इसलिए मैंने इसको अभी यही यूज़ किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ठीक है तो हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज़ डिसप्लेस फ्राम इट्स इनिशियल पोजिशन ये होती है डिसप्लेसमेंट इस बात का मतलब कि अभी थोड़ी देर में आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके तो मैं ज़रा इसको उठाकर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है और जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे और हमने कहा लेंथ ऑफ टोटल जर्नी है तो उसको समझते हैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल से ठीक है सो लेट सपोज हमारे पास अब ये मैं वो डेप्थ में जा रहा हूँ ठीक है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बुक्स में ये चीज़ सब बुक्स में नहीं ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ रेगुलर कोर्स बुक्स पढ़ाई जाती हैं या पढ़ाया जाता है उसमें उसमें इस तरह से इस बात को किया जाता है कि लेट सपोज आपके पास जी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इस ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी तो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो ना यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ इधर पहुँच जाए मैं इसको थोड़ा सा ठीक है उसने ये जर्नी कवर किया दूसरा तरीका ये है कि आप पॉइंट ए टू बी लेट सपोज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकते हैं ठीक है सो ए टू बी अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो यूजुअली इसको कह दिया जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि बिल्कुल सही बात है और ये जो आपने ये बात किया है ब्लैक कलर के अंदर जो मैंने मेंशन किया है दैट इज़ योर डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ योर डिस्टेंस ठीक है इन अदर वर्ड्स जो भी स्ट्रेट लाइन में आपका जर्नी है फ्राम वन पॉइंट टू दी अदर दैट इज डिस्प्लेसमेंट और जो भी आपका नॉट स्ट्रेट लाइन है इट कैन बी एनी पॉसिबल पाथ फॉर एग्जाम्पल ये पाथ ये भी हो सकता था एक बंदा यहाँ गया फिर उसके बाद उसका ख्याल आया यहाँ जाने का फिर उसके बाद उसको ख़याल आया यहाँ जाने का और फिर वो यहाँ से मूव करके चला गया इस पॉइंट पर ठीक है तो ये जो उसका जर्नी है बहुत ही रैंडम किस्म का लेकिन वो पहुंचा पॉइंट बी पर तो ये भी डिस्टेंस कहलाएगा बिकॉज फ्रॉम ए टू बी ही वॉज नॉट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन ये सिंपल फर्स्ट बेसिक सरफेस अंडरस्टैंडिंग है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ठीक है लेकिन आइए इसको समझते हैं एक नए एंगल से दैट माइट हेल्प यू लिटिल बिट मोर सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं समझता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चला पॉइंट बी पर गया और पॉइंट बी से ट्रैवल करके इट वेंट टू पॉइंट सी एंड देन फ्रॉम सी इट मूव टू पॉइंट डी एंड पॉइंट डी उसका फाइनल पॉइंट था राइट एंड ही ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन फ्रॉम बी टू सी इन अ स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा Right. And then from C to D he again traveled in a straight line. Right? Or from A to B Josne travelling key cover 300 meters. Or from B to C Josne traveling key, cover 200 meters. And then again from C to D what he travelled. वॉज थ्री हंड्रेड मीटर्स ऑब्वियसली ना इफ समबी आस्क यू वट इज़ द डिस्टेंस ही हैज़ कवर्ड उसके जर्नी का फ्राम ए टू बी अगर मैं मैंशन भी कर दूँ कि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और डी हमारा एंडिंग पॉइंट था ठीक है ना फिनिशिंग पॉइंट डेस्टिनेशन ठीक है तो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया तो आप सिंपल सा उसके पूरे जर्नी की जो लेंथ ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये पूरे जर्नी की जो लेंथ है आप इसको ऐड कर लो तो ही टोटल डिस्टेंस एंड इज 300 प्लस 200 प्लस 300 अगेन और आप इवेंचुअली 800 मीटर्स भाई उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो 800 हंड्रेड मीटर्स किया ठीक तो है लेकिन इफ समी आस्क यू हाउ मच ही हैज बीन डिस्प्लेस्ड तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जरा समझिएगा वो ए से डिस्प्लेस हुआ है डी तक नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और वो डिस्प्लेस हुआ है नीचे की तरफ नाउ दिस इज द जर्नी ही नेवर एक्चुअली कवर्ड इस पाथ पे तो आप खुद देखें ए से डी वो गया ही नहीं है उसका जो जर्नी था दैट वेंट फ्रॉम ए टू बी देन ही वेंट बी टू सी एंड देन ही वेंट सी टू डी ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन लगाई है बिटवीन ए एंड डी ही नेवर वॉकड ऑन दैट रोड लेकिन यही इसका डिसप्लेसमेंट है इसका मतलब ये है जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम इस बात से कंसर्न नहीं है कि उसने कौन सा रूट इख्तियार किया या आजकल की लैंग्वेज में कौन सा राउट इख्तियार किया व्हाट वी आर कंसर्नड अबाउट इज कि हाउ मच ही हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज ओरिजिनल हिज इनिशियल पोजीशन टिल द फाइनल पोजीशन सो अब देखिएगा हाउ मच ही हैज़ मूव्ड तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ही हैज़ मूव्ड 200 मीटर्स लेकिन अब यहां डायरेक्शन मेंशन करना भी जरूरी हो जाएगा सो ही हैज मूव 200 मीटर्स ड्यू साउथ राइट सो इट 200 मीटर्स ड्यू साउथ और अब अगर आप लोग को समझ में आ रही होगी तो क्लैरिफाई भी होना शुरू हो जाएगा कि इसीलिए, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होती है इट इज अ वेक्टर कॉन्ट्री हम वैक्टर्स बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर और वैक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बिना आप नहीं बता सकते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस जर्नी पे उस उस पाथ पे हमारा ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी जिस चीज़ को भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो कभी चली नहीं है या हो सकता है कभी चली भी हो दैट इज़ परफेक्टली ओके सो ये ए टू डी जो उसकी मूवमेंट है ये एक्चुअली ओवरऑल उसकी डिस्प्लेसमेंट है हाउ मच ही हैज़ बीन डिसप्लेसड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन और एट अब जरा एक और सिनारी यहीं से क्रिएट करते हैं कॉपी पेस्ट करके सो so, अगर मैं ये कहता हूँ देखिएगा कि ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम ए देन वेंट टू बी एंड देन ही वन टू बी टू सी वो उसी तरह और सी टू डी वैसे ही लेकिन फिर तो उसने फिनिश डी पे नहीं किया ही वेंट ऑन ही वेंट ऑन एंड ही मूव फ्राम डी टू एगेन यानी कि ए ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ए ही उसका फिनिशिंग या एंडिंग पॉइंट था तो ना इफ समबी आस्क यू कि भाई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो आप टोटल ऐड करके बताओगे कि उसका जो डिस्टेंस है वो है पूरा ही लिख देते हैं उसका डिस्टेंस है वन थाउजेंड मीटर्स आपने सारा ऐड कर दिया लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो वीडियो को पॉज करें और बताएं कि क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो Yes. आप कहेंगे इतना चला इतना मूव किया तो वो डिसप्लेस तो हुआ ना लेकिन हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में इफ़ द पर्सन इज़ बैक टू हिज ओरिजिनल पोजिशन ही हैज़ नॉट बीन डिसप्लेसड एट ऑल और इसके मैं समझाने के लिए डिसप्लेस का ऐसे ही एज अ पन में यूज़ कर लेता हूँ मिसप्लेसड अगर एक बच्चा घर से निकला सुबह के टाइम और वापस घर पे आ गया तो हम ये कहेंगे कि वो मिसप्लेस हुआ ही नहीं यानी कि ऑब्जेक्ट अगर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी दैट इज़ वेयर इट गेट्स ट्रिकी ठीक है सो वंस इट्स ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है हमें इस बात से कंसर्न ही नहीं है कि वो किन किन रस्तों पर किन किन मुश्किल से कहाँ से घूम फिर के आया अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसीलिए लास्ट बात हम करेंगे यहाँ पर कि जब भी हम सर्कल की बात करते हैं सर्कल में अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो किसी भी क्लोज्ड लूप में ये बात भी अच्छे से समझ लीजिए किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर सारे वेक्टर जीरो होते हैं ये बात आपको डायनामिक्स में फोर्सेज में बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इसीलिए किसी भी क्लोज लूप के अंदर अगर सारे वैक्टर ज़ीरो होते हैं तो डिसप्लेसमेंट भी जीरो ही होनी चाहिए क्योंकि ये शेप हमारे पास क्लोज लूप बना रहा है आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट वॉज द वेरी 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 बेसिक द इनिश्यूज ऑफ काइनामेटिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट इज डिस्टेंस वर्स इज डिसमेंट इन दैक्स ਉਹ ਦੋ ਜਰਾਂ ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਕੀ ਤਫੇ ਵਾਦੇ ਤੂੰ ਪਟੀਨ ਖਾਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾ ਪਲੀਆਂ